आपके अध्याय 3.4 क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। देखो बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए। बहुपदों के क्या ज्ञात करने, पहले तो हमें या तो शून्यांक दे रखे होते थे या शून्यांक की जांच करवा रहे थे, अब हमें क्या ज्ञात करने, शून्यांक ज्ञात करने। देखो आप शून्यांक पहले में सबसे बड़ी घात कितनी है, तीन। सबसे तीन घात है मतलब इसके शून्यांक भी कितने आएंगे, तीन ही आएंगे। यहाँ भी घात कितनी है, तीन। यहाँ भी शून्यांक कितने आएंगे, तीन। सबसे बड़ी घात के अकॉर्डिंग शून्यांक चलते, अगर घात चार होती शून्यांक भी कितने आते, चार। घात दो होती शून्यांक भी कितने आते, दो। मतलब जितनी घात होती है उतने क्या होते हैं, शून्यांक। मतलब हमें इस x की जगह ऐसा मान रखना है कि इस पूरे को हल करने पर इसका मान कितना आ जाए, जीरो आ जाए, मतलब शून्य आ जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका जो अचर पद है, बताओ अचर पद कौन है, छह। अचर पद का मतलब होता है जो अकेला ही हो। देखो छह यहाँ पर अकेला है, ग्यारह के साथ भी एक से, छह के साथ भी और ये एक से, मतलब जो अकेला है, छह अकेला ही है, छह क्या है, अचर पद। अब हम देखेंगे अचर पद, बताओ छह किसके पहाड़े में आता है, छह किस किसके पहाड़े में आता है, एक तो एक, एक के पहाड़े में रहता है, एक में भी छह आता है, दो में भी आता है, तीन में भी आता है और छह में भी आता है। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ x का मान हम जो अचर पद है उसके अचर पद के गुणनखंड करेंगे। अचर पद के क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अचर पद के गुणनखंड। अब गुणनखंड करने चाहिए, मतलब ये देखना है कि छह किस किस के पहाड़े में आता है, एक के में भी आएगा और दो के में भी आएगा, दो दुनी चार, दो दो एकम दो, दो दुनी चार, दो तिया छह, और तीन के में भी आएगा, तीन दुनी छह, और चार के में आएगा क्या, नहीं, पांच के में नहीं, किसके में आएगा, छह में। अब ये जो गुणनखंड है इसको या तो लो आप प्लस में या लो आप इनको माइनस में, सबको। अब हम क्या करेंगे, पहले तो अचर पद के गुणनखंड कर लेंगे। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहां वहां रखेंगे या तो एक या दो या तीन या चार। जैसे एक रखा, एक रखने पर अगर इसका मान कितना आ गया, जीरो। कितना आ गया, जीरो। तो ये इसका क्या हो जाएगा, शून्यांक हो जाएगा। अगर जीरो नहीं आया तो शून्य नहीं होगा। अब देखो सबसे पहले कितना रखना है, एक। अगर हम प्लस का रखते हैं, देखो यहाँ सबके सब किसके प्लस, यहाँ प्लस का, प्लस का, प्लस का, बताओ शून्य आ गया क्या उसका उत्तर, प्लस का रहेगा। यहाँ एक हो जाएगा, यहाँ छह हो जाएगा, यहाँ ग्यारह हो जाएगा, यहाँ सब जुड़ेगा, मतलब उत्तर प्लस में नहीं आएगा। हम प्लस का एक नहीं रखेंगे, बताओ कितना रखेंगे, माइनस का एक। क्या लिखेंगे, एक्स बराबर माइनस का एक रखने पर। प्लस का क्यों नहीं रखा, क्योंकि हमने देख लिया कि यहाँ उत्तर जीरो नहीं आ सकता प्लस का रखने पर। हम माइनस का रख के देखते हैं, बताओ जहाँ जहाँ भी एक्स लिखा हुआ है वहाँ वहाँ क्या लिखना है, माइनस का एक। माइनस मतलब पहले माइनस एक की घात कितनी, प्लस छह का तो छह, माइनस एक की घात कितनी, दो, प्लस ग्यारह का तो ग्यारह, माइनस का एक, प्लस का छह। हल करो, पता है क्या, एक के ऊपर कितनी भी घात लगी हो उत्तर कितना आता है, एक ही आता है। अगर घात विषम है उत्तर किसमें आएगा, अगर सम है तो एक ही घात तीन का मतलब एक ही होगा, घात विषम है इसलिए एक किसका आएगा, एक को कितनी बार गुणा करते, तीन बार, एक इंटू एक इंटू एक, माइनस माइनस प्लस हो जाता और प्लस माइनस वापस क्या हो जाता, माइनस। अब देखो यहाँ प्लस का प्लस, छह का तो छह रहेगा, एक ही घात दो का मतलब कितना, घात कैसी है, सम, एक किसका आएगा, एक इंटू एक मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक को छह से गुणा करेंगे तो छह। आप ये देखो ग्यारह किसे गुणा करेंगे, ग्यारह एक माइनस प्लस माइनस, नीचे कितना है, छह। प्लस प्लस वाले एक तरफ जोड़ो, माइनस माइनस वाले एक तरफ, बताओ क्या आएगा। देखो छह और छह कितने हो गए, माइनस 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 का ग्यारह, बारह में से बारह गया तो जीरो, मतलब एक इसका शून्य, एक उत्तर आ गया। बताओ शून्य क्या हो जाएगा, एक, मतलब ऐसे लिखो एक्स बराबर माइनस का एक, एक को इधर ले आओ किसमें जाएगा, प्लस में, एक्स प्लस कितना, एक। चाहो तो लिखो या फिर इसका पहला शून्य कितना गया, माइनस का एक।
अब एक तो रख लिया हमने मान, अब कितना रखेंगे? दो। अब देखो बेटा, अगर हम प्लस का रखते हैं तो उत्तर आएगा क्या? नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ भी दो सबके सब जुड़ेंगे और आपको उत्तर बड़ा आएगा, मतलब जीरो नहीं आएगा। तो दो तो नहीं रखना है, कितना रखना है? माइनस दो। माइनस का दो। अब जरूरी है कि माइनस के दो में भी उत्तर आए, इसे रख के देखते हैं। क्या लिखेंगे? एक बराबर माइनस का दो रखने पर, जहाँ जहाँ भी क्या लिखा हुआ है एक, वहाँ वहाँ क्या लिखना है? माइनस का दो। बताओ, पहले एक की घात तीन का मतलब माइनस दो की घात तीन, प्लस का छह, एक्स स्क्वायर की जगह माइनस दो की घात दो, प्लस ग्यारह का तो ग्यारह, माइनस का प्लस का कितना? छह। अब दो कितनी बार है? तीन बार। माइनस का दो इंटू माइनस का दो इंटू माइनस का दो, प्लस छह का तो दो कितनी बार है? माइनस का दो इंटू माइनस का दो, प्लस अब तो ये ऐसे रहेगा, ग्यारह माइनस का दो प्लस का छह। आप गुणा करो, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, देखो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, आठ किसका आएगा? माइनस का। वैसे भी घात विषम है, उत्तर किसमें आता है? माइनस में। अब देखो यहाँ प्लस का प्लस, दो दुनी चार, माइनस माइनस प्लस, चार चार किससे करेंगे? बच्चों के चौबीस। अब यहाँ ग्यारह दुनी माइनस प्लस, माइनस का कितना और प्लस का कितना? प्लस प्लस वाले एक तरफ, माइनस माइनस वाले एक तरफ, चौबीस प्लस का और छह प्लस का कितना हो गया? ये हो गया आपके तीस, प्लस के भी तीस। ये देखो ये भी कितने हो गए? माइनस के भी तीस हो गए। तीस में तीस क्या कितना बचा? मतलब माइनस दो बीस का शून्य, अरे दो उत्तर आगे, एक और निकालना है। कितने घात तीन है, मतलब उत्तर भी कितने आएंगे? तीन ही आएंगे। अब देखो यहाँ एक उत्तर और निकालना है। अब देखो हमने माइनस का एक रख लिया, माइनस का दो रख लिया, अब तीन पे जाओ। अब बताओ प्लस का रखेंगे तो उत्तर वही ज्यादा आएगा, तीन भी किसका रखना पड़ेगा? क्या लिखेंगे? एक्स बराबर माइनस का तीन रखने, जहाँ जहाँ भी एक्स है वहाँ वहाँ कितना लिखना है? माइनस का तीन। अब पहले माइनस के तीन की घात कितनी? तीन। प्लस छह का तो छह, एक्स की घात दो, मतलब किसकी घात दो? माइनस तीन की घात दो, प्लस का कितना? ग्यारह। और यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस का तीन, प्लस का कितना? छह। अब तीन को कितनी बार गुणा करेंगे? तीन बार। क्या लिखेंगे? मतलब डायरेक्ट कर दो, तीतिया नौ नौतिया सत्ताईस आएगा। घात विषम है, किसमें आएगा? माइनस का कितना? सत्ताईस। अब यहाँ कितनी बार गुणा होगा? तीन इंटू तीन तीतिया नौ, और समय तो किसमें आ जाएगा? प्लस में। नौ को किससे गुणा करेंगे? नौ छह चौपन, अरे नौ से चौपन ही होगा। अब बताओ ग्यारह को किससे गुणा करेंगे? तीन से, ग्यारह तीन तैतीस, माइनस प्लस माइनस, माइनस का तैतीस, प्लस का छह, प्लस प्लस वाले एक तरफ, माइनस माइनस वाले एक तरफ। अब ये चौपन प्लस का और छह प्लस का कितना हो गया? साठ। सत्ताईस माइनस का तैतीस माइनस का, ये भी कितना हो गया? साठ में साठ गया तो जीरो। बताओ तीनों शून्य के आगे, अब आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छह प्लस का रखो चाहे छह माइनस का रखो कभी शून्य आएगा ही नहीं। शून्य कब आएगा इसमें? या तो माइनस का कितना रखेंगे? एक। माइनस का दो और माइनस का तीन, आगे तीनों उत्तर। अब ये दूसरा भी सेम ऐसे ही करना है। अब देखो ये कैसे करना है, एक्स की घात तीन है सबसे बड़ी, उत्तर भी कितने आएंगे? तीन ही आएंगे। अगर घात तीन है तो उत्तर भी कितने आएंगे? सबसे पहले अचर पद देखो, आप बताओ अचर पद कितना है? दो। किस किस के पहाड़े में आता है? एक के में और दो के में आता है, एक एक में एक दो के में आता है। बताओ इसके कितने गुणनखंड होंगे? दो। क्या लिखे? अचर पद। क्या लिखेंगे? अचर पद के गुणनखंड कर लो, या अपनी मर्जी से भी रख सकते हो।
एक रख दो, दो रख दो, लेकिन आचार्य पद के गुणनखंड करोगे तो आपके फिक्स हो जाएगा भाई ये रखना पड़ेगा, फालतू के रखने की जरूरत नहीं। अब बताओ ये किसके पहाड़े में था, एक तो एक के में और एक दो के में। आप एक प्लस का भी ले सकते हो और माइनस का भी, दो प्लस का भी ले सकते हो और माइनस का भी ले सकते हो। उत्तर कितने आएंगे, तीन। सबसे पहले एक किसका लेंगे, देखो यहाँ माइनस आ रहा है, हम प्लस का एक लेंगे, प्लस का एक भी ले सकते हैं और माइनस का एक भी ले सकते हैं। अगर यहाँ सब जगह प्लस का होता तो फिर हम प्लस का नहीं लेते, केवल किसका लेते, यहाँ किया जैसा सब प्लस के थे, केवल हमने किसका प्रयोग किया, माइनस का। अब यहाँ माइनस भी है इसलिए हम किसका माइनस के भी प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स बराबर कितना, प्लस का एक रख लो, एक रखने जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वहाँ कितना लिखेंगे, अब यहाँ देखो एक की घात कितनी, दो का दो, एक की घात कितनी, माइनस का, माइनस का दो, यहाँ प्लस है। अब एक के ऊपर घात कितनी पे उत्तर कितना आता है, एक प्लस एक की घात दो का मतलब एक, एक को दो से गुणा करेंगे तो माइनस का एक और माइनस का दो, दो में से दो गया जीरो, एक में से एक गया क्या गया, मतलब एक बराबर एक इसका शून्य है, एक उत्तर तो कितना गया एक। प्लस का एक रखा, आप किसका एक रखेंगे, माइनस का एक रखो, क्या लिखेंगे, एक बराबर माइनस का एक रखने, जहाँ जहाँ भी एक से वहाँ वहाँ क्या रखेंगे, माइनस का एक। यहाँ बताओ माइनस एक की घात कितनी, तीन, प्लस दो का तो दो, माइनस एक की घात कितनी दो, माइनस का और माइनस का कितना, और माइनस का कितना, चिन्हों का आपको विशेष ध्यान रखना है, चिन्हों का विशेष ध्यान रखोगे तभी उत्तर से आएगा। एक के ऊपर घात कितनी भी हो उत्तर कितना, एक। घात कितनी है विषम, उत्तर किसमें आएगा, माइनस का कितना, एक। अब यहाँ घात समय उत्तर किसमें आएगा, और एक को दो से गुणा करोगे तो दो, देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कितना एक, पीछे कितना माइनस का दो, माइनस के दो से माइनस दो जीरो, प्लस माइनस और यहाँ भी प्लस माइनस कैंसिल, उत्तर क्या गया जीरो। बताओ ये भी इसका शून्य, तो दो तो आगे एक और ज्ञात करना है। अब एक बराबर कितना रखेंगे दो, प्लस का ले लो चाहे माइनस का, माइनस का ले लो। अब बताओ किसका ले, प्लस माइनस का लोगे, माइनस का लोगे तो प्लस का लेके देख लो, पहले क्या लिखेंगे, एक्स बराबर दो रखने, जहाँ जहाँ भी एक्स लिखा है वहाँ वहाँ कितना लिखना है दो। बताओ यहाँ लिखो दो की घात कितनी, तीन, प्लस का दो और दो की घात कितनी दो, माइनस का दो, माइनस का दो, समय में प्लस का तो उत्तर आएगा ही नहीं, माइनस में रखना पड़ेगा, मैं भी करके देख लो नहीं आएगा। देखो ये प्लस का, ये प्लस का ज्यादा हो जाएगा उधर करने, मतलब किसका रखेंगे, माइनस का रख लो, तो करने से कोई मतलब नहीं, हमें पता चली क्या, यहाँ क्या लगा देंगे माइनस, जहाँ जहाँ भी हमने एक वहाँ क्या लगा देंगे माइनस, क्योंकि प्लस में हमें उत्तर आता नहीं दिख रहा है, तो यहाँ भी ये किसका आएगा माइनस। आप देखो दो की घात तीन, दो को कितनी बार गुणा करना है, दो दुनी चार, चार दुनी आठ, इस समय तो किसका आएगा माइनस का आठ। अब दो को कितनी बार, दो, दो दुनी चार, उत्तर किसमें आएगा और चार दुनी आठ। अब ये माइनस हो माइनस दो और पीछे माइनस का आठ में से आठ गया जीरो, दो में से दो गया, ये भी इसका शून्य, कितने शून्य का आगे, एक तो माइनस का है, प्लस का है और माइनस का दो, उतारो। देखो अब है इसका तीसरा क्वेश्चन, बड़ी घात कितनी है चार, उत्तर भी कितने आएंगे चार, अंक भी कितने आएंगे चार ही आएंगे। अब यहाँ आचार पद कितना है बारह, बताओ बारह किस किस के पहाड़े में आता है, बोलो आचार पद के क्या करेंगे गुणनखंड, खंड। अब देखो जैसे मान लो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है किस किस के पहाड़े में आता है, तो ऐसे गुणनखंड कर लो बारह, तो बार किसका जा रहा है दो, एक तो समय आएगा, एक तो फिक्स समय आएगा, दो का कितनी बार छह बार,
फिर दो का तीन का कितनी बार दो बार पहले दो का दे दो दो का दे दो तीन बार तीन का कितनी बार एक का एक देखो एक तो एक आया एक कितना आया एक कितना आया एक कितना आया एक कितना आया बारह एक तीन दो छह बारह सबके सब लेने अलग अलग आप सीधे सीधे ऐसे देख लो बताओ किस किस के पहाड़े में आता है एक दो तीन चार छह बारह ये प्लस का भी आ सकता है माइनस का प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस तो देखो हम क्या करेंगे ये मान रख रख के देखेंगे उत्तर कितने लाने चार देखो सबसे पहले कितना रखेंगे देखो माइनस का आ रहा है प्लस का एक रख सकते हैं अगर सबके सब प्लस के आते तो फिर प्लस का नहीं रखते बताओ सबसे पहले क्या रखेंगे प्लस एक प्लस का एक क्या लिखेंगे एक बराबर एक रखने पर अब एक रखो जा जा एक लिखा है वहां कितना लिखेंगे एक एक की घात कितनी चार माइनस दो का तो एक की घात कितनी सात का तो एक की घात आठ का तो इंटू प्लस का बारह एक की घात कितनी भी उत्तर कितना आता है एक माइनस यहाँ भी एक एक को दो से गुणा करेंगे दो माइनस यहाँ कितना आएगा सात ही आएगा प्लस का कितना आठ प्लस का कितना बारह माइनस माइनस वाले एक तरफ प्लस प्लस वाले आप देखो देखो एक और नौ नौ और बारह कितना हो गया ये कितना हो गया इक्कीस माइनस दोनों कितना हो गया नीचे कितना बचा नीचे बच गया आपके बारह बताओ जीरो नहीं बचा नहीं। तो ये इसका शून्य नहीं है क्या लिखेंगे ये इसका शून्य नहीं है तो आगे करो हमने क्या रखा था प्लस का है अब किसका एक रखेंगे क्या लिखेंगे एक बराबर माइनस का एक रखने पर जहाँ जहाँ भी एक से वहाँ वहाँ कितना रखेंगे माइनस का माइनस एक की घात कितनी माइनस एक की घात सूत्र का माइनस दो का दो माइनस एक की घात कितनी माइनस का सात माइनस एक की घात दो प्लस का आठ माइनस का एक प्लस का बारह हल करो देखो उत्तर कितना आएगा एक घात समय उत्तर किसमें आएगा प्लस का एक घात विषमय उत्तर किसमें आएगा माइनस में देखो ये माइनस और ये माइनस गुणाओं के क्या हो जाएगा प्लस का कितना दो एकम दो अब घात समय उत्तर किसमें आएगा तो सात एकम माइनस का कितना सात देखो ये तो प्लस हो गया तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस और देखो ये गुणा होगा आठ एकम प्लस माइनस और पीछे प्लस का कितना बारह प्लस प्लस वाले एक तरफ माइनस माइनस वाले एक प्लस का दो प्लस का और बारह भी प्लस का तो बारह और ये कितना हो गया माइनस आठ और सात भी कितना हो गया माइनस का पंद्रह का पंद्रह में से पंद्रह का कितना गया मतलब ये इसका शून्य पहला शून्य कितना आया माइनस आप बताओ कितना रखेंगे दो अब कितना लेंगे पहले किसका लेंगे प्लस का फिर किसका लेंगे माइनस का चाहो तो एक तरीका और है तो कि आपको ये रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी पहला शून्य ज्ञात कर लो जैसे क्या ज्ञात किया माइनस का एक आया एक को इधर लेंगे तो एक प्लस कितना हो जाएगा एक एक प्लस एक का अगर इसमें भाग दोगे तो आपके बाकी के शून्य आ जाएंगे लेकिन आप तो ऐसे नॉर्मल ज्ञात कर लो बताओ आप कितना रखेंगे एक बराबर कितना दो रखने पर जहाँ जहाँ भी x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ कितना रखेंगे दो रखेंगे अब रखो दो की घात कितनी दो की घात चार माइनस दो का तो दो दो की घात कितनी तीन माइनस का सात दो की घात दो प्लस का आठ दो का प्लस का दो को कितनी बार गुणा करना है दो इंटू दो इंटू दो दो दुनी चार चार दुनी आठ आठ दुनी सोलह सोलह माइनस
अब देखो यहाँ भी दो को कितनी बार, तीन बार, और ये रहा एक, चार बार हो गया यहाँ भी, तो यहाँ भी कितना आएगा, सोलह आएगा। अब यहाँ दो दुनी चार, किससे सात चौक कैसे आएगा, माइनस प्लस आठ दुनी प्लस का प्लस प्लस एक साइड माइनस माइनस। अब देखो ऐसे सोलह में से सोलह गया ये, तो ऐसे ही कैंसिल कर दो, जीरो बच गया। अट्ठाईस किसका, माइनस सोलह और बारह भी कितना होगा, माइनस का अट्ठाईस और सोलह और बारह जोड़ोगे तब भी कितना होगा, बताओ अट्ठाईस में अट्ठाईस गया कितना बच गया, जीरो। तो एक बराबर दो भी इसका शून्यांक है, कितने शून्यांक मिल गए, दो, दो तो मिल गए। अब और ज्ञात करना है, दो और ज्ञात करना है, आप कितना रखेंगे, माइनस का दो। देखो माइनस का दो रखते हैं तो उत्तर आ सकता है, देखो क्या लिखेंगे, सुनने में बताओ कितना, एक्स बराबर माइनस का दो रखने, हाँ क्या हुआ, माइनस का दो रखने पर बताओ, दो रखेंगे जहां जहां भी एक्स लिखा है वहां वहां क्या रखेंगे, माइनस का दो। बताओ दो की घात कितनी, चार, माइनस के दो की घात कितनी, चार, माइनस का दो दो, दो की घात कितनी, दो की घात आ जाएगी तीन, माइनस का सात, दो की घात कितनी, दो, प्लस का आठ और माइनस का दो और प्लस का कितना, बारह। हल करो, दो को कितनी बार गुणा करेंगे, देखो सोलह आएगा, ये आएगा सेम, लेकिन चिन्ह में क्या होगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखो घात समय चिन्ह किसका आएगा, कितना आएगा, सोलह। यहाँ भी दो घात विषम है, यहाँ किसका आएगा, माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कितना, सोलह, यार सोलह आ रहा है, सेम है, क्योंकि यहाँ भी दो, यहाँ दो, केवल फर्क किसका है, चिन्ह का है। अब यहाँ देखो किसमें आएगा, प्लस में, दो दुनी चार और चार गुणा किया तो कितना आता, अट्ठाईस, कितना आएगा अट्ठाईस, किसका, माइनस, माइनस का, अरे माइनस ही आएगा, माइनस का कितना, अट्ठाईस, आठ दुनी माइनस प्लस माइनस और पीछे प्लस का कितना, बारह। अब देखो माइनस का सोलह और प्लस का सोलह कट गया, सोलह प्लस का और बारह प्लस का कितना हो गया, अट्ठाईस, अट्ठाईस और माइनस का कितना, अट्ठाईस, अट्ठाईस में अट्ठाईस गया तो एक्स बराबर माइनस दो बीस का शून्य कितने मिल गए, एक और याद करना है, घात कितनी है, चार, उत्तर भी कितने आएंगे, चार। हमने दो रखी लिया, अब कितने नंबर आया, किसका आया, तीन का। अब पहले प्लस रख के देख लो, फिर माइनस रख के देख लेंगे, देखो क्या आता है, प्लस रख के देख लो क्या लिखेंगे, आप चाहो तो अंदाजा लगा सकते हो भाई उत्तर आएगा या नहीं आएगा, रख के देख लो, बताओ एक्स बराबर कितना रखेंगे, तीन रखने पर। अब जहाँ जहाँ भी आपको एक्स से वहां वहां कितना रखना है, तीन, बताओ तीन की घात कितनी, चार, माइनस दो का दो, तीन की घात कितनी, दो, तीन, माइनस सात का दो, सात, तीन की घात कितनी, दो, प्लस का आठ, तीन का दो, तीन और प्लस का बारह, तीन की घात चार, मतलब तीन को कितनी बार गुणा करना है, तीन इंटू तीन इंटू तीन, ऐसे तीन इंटू तीन इंटू तीन इंटू तीन दिया नौ, नौ दिया सत्ताईस, सत्ताईस दिया यहाँ कितना आ जाएगा, इक्यासी, माइनस अब तीन दो, तीन दिया नौ, नौ दिया सत्ताईस, को किससे करना है, दो से, सत्ताईस दूनी चौपन आ गया। अब यहाँ कितनी बार, दो बार, तीन दिया नौ, सात तिरसठ, किसका, माइनस का, आठ दिया कितना, चौबीस, प्लस का कितना, प्लस प्लस वाले एक साइड जोड़ दो, माइनस माइनस वाले एक साइड जोड़, हाँ देखो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, ये दोनों कितने हैं, माइनस के, दो और चार कितने हो गए, छह, छह और एक सात, हासिल का कुछ नहीं, एक और दो तीन, तीन और आठ ग्यारह, एक सौ सत्रह हो गए प्लस के, माइनस के, तीन और चार सात, पाँच और छह, एक सौ सत्रह में से एक सौ सत्रह गया कितना गया, चार गया जीरो, तो ये भी इसका शून्य, चारों मिल गए, लिखो नीचे लिखो चारो, एक तो ये एक ही है, एक वो और एक आ गया, सुनने उतारो। अब आगे जो मान रखोगे उत्तर नहीं आएगा।